हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप 10 क्लासेस। मैं सौरभ सर। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के मैथ का सिलेबस का ओवरव्यू जान गए थे और हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको अगली क्लास में क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का पहला अभ्यास जो हमारा संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपने संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, यह संख्याएँ एक से अनंत तक होती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इनफाइनाइट, ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को रख दिया जाए। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को रख दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हम लोग आपको उदाहरण देते हैं, प्राकृतिक संख्या जैसे हमारा है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को रख दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। तीसरा हमारा आता है पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? वह सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को मिलाकर क्या होती हैं? पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को मिलाकर पूर्णांक बनाती हैं। जैसे हमारा होता है, जैसे आप लोग उदाहरण जानना चाहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों? ये हमारी है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हमारे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, पहला हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो से लेकर इस तरफ की संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और जीरो से लेकर माइनस तरफ की संख्याएं, लेफ्ट हैंड की संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। अब हमारा अगला है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? हम जानते हैं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, वह हमारा क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, अभाज्य संख्या जैसे 2, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5, क्या होता है हमारे? एक से बड़ी हमारी कौन सी संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, कह रही है एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वह हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और हमारे नेक्स्ट आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और से और किसी अन्य से विभाजित हो जाए, वह हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारा हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सब हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद हमारा आता है छठवां, परिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं हम लोग जानते हैं, जिसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो हमारा q जो है जीरो के बराबर क्या हो? ना होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप लोग परिमेय संख्याओं के उदाहरण के बारे में जानना चाहते हैं, उदाहरण हम इसको लिख सकते हैं जैसे 5/3, 5/3, 4/2, ये सब हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा अगला आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे अंडर रूट सेवन है हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हमारा आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जिसे 2 से विभाजित किया जा सके, जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देखते हैं,
दो हुआ, चार हुआ, छः हुआ, आठ हुआ, दस हुआ, बारह, डैश डैश डैश। इसके बाद हमारा अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसे दो से विभाजित न किया जा सके। प्यारे बच्चों, विषम संख्या हमारी क्या होती है? जिसे दो से विभाजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा तीन हुआ, पाँच हुआ, सात हुआ, नौ हुआ, ग्यारह, ये सब हमारी कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं, जिसे दो से विभाजित न किया जा सके। इसके बाद हमारा आता है शांत संख्याएं। शांत संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें शेषफल क्या हो? जीरो आ जाता हो। शांत संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? जिसमें शेषफल जीरो आ जाता हो उसे शांत संख्याएं कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे चार बट्टा दो है, चार बट्टा दो, चार बट्टा दो को अगर दो से जब चार में भाग किया दिया जाता है, जब चार में दो से भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है? जीरो प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है बच्चों? जीरो प्राप्त होता है। यही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? शांत संख्याएं कहलाती हैं। देन आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको चैप्टर टू चैप्टर वीडियो टॉप 10 क्लासेस पर मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।